हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वीकली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे कि इस वीक आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल जो भी जानकारियां मिलेंगी कार्ड्स के बेसिस पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार और जैसे आपको चाहिए वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग में सबसे ज्यादा लव रीडिंग को कवर किया जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने वोट करवाया था और वोट में सबसे ज्यादा लव रीडिंग को वोट मिले, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस को वोट मिले, तो डेफिनेटली उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा और बाकी चीजों को भी देखा जाएगा, पर इतना डिटेल में जैसे पहले हम लोग ज्यादा लंबा लंबा रीड कर रहे थे इतना लंबा रीड नहीं करेंगे, शॉर्ट में इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, वीकली रीडिंग पसंद आती है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और यस, और सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए इस रीडिंग के रिलेटेड, पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, या आप लोगों को ब्रेसलेट रिलेटेड चाहिए तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। अब बारी है सिंह राशि वालों की, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले लव लाइफ 14 to 21 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ 14 to 21 जुलाई फॉर सिंह राशि। एक सेकेंड, सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करने वाली हूँ, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हैंगमैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, डेविल। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है सिंगल्स जितने भी हैं लियो राशि वाले वो किसी व्यक्ति के प्रति ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। इस हफ्ते आपका ध्यान किसी की तरफ केंद्रित हो सकता है, कोई व्यक्ति दिल को बहुत भा सकता है, उसके प्रति आप बहुत पैशन फील करेंगे, बहुत ज्यादा लव, इंटिमेसी, रोमांटिक एनर्जी को फील करते नजर आ रहे हैं। तो यस, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई क्रश नहीं है तो इस हफ्ते कोई ना कोई आपको पसंद जरूर आने वाला है। किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में फीलिंग्स डेवलप्ड होगी, बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि ये व्यक्ति आपके कॉलेज में या आपके वर्किंग प्लेस पे आपके साथ होंगे या होंगी, ठीक है। इस किसी व्यक्ति की तरफ दिल आता हुआ आपका नजर आ रहा है। ये व्यक्ति आपके कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड, एक बोलते हैं ना ड्रीम वर्ल्ड में जगह प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पेशेंस बहुत रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रति आपके मन में एक एनर्जी, इमोशन जरूर डेवलप्ड होगा। उनके प्रति आपके मन में बहुत सारी एक होता है ना कि फ्यूचर को लेकर प्लानिंग तक शुरू हो जाएगी, ऐसी एनर्जी बनती नजर आ रही है। और अगर किसी को मनी मन आप बहुत पसंद करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए और ज्यादा फीलिंग्स डेवलप्ड होंगी, और ज्यादा आप उसके लिए पैशनेट और क्रेजी फील करेंगे, उसको फैंटेसाइज करते हुए भी नजर आएंगे। यदि आप शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो शादी के लिए कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति पसंद आ सकता है, और इतना पसंद आ सकता है कि क्या ही पता है, वो बंदा या बंदी आपको इतने पसंद आ जाएंगे कि आप उनको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स सिंह राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं 14 to 21, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 14 to 21 जुलाई। डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओके, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपने फ्रेंड्स के बीच टाइम अपना जो है कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं, अपनी न्यू लाइफ को शुरू करते नजर आ रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज सीखते, नए नए कोर्स में ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर के प्रति एक ऑब्सेशन जरूर रहेगा, आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए लम्हे को याद कर रहे हैं, मोस्टली नाइट टाइम पे आप उन्हें ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट टाइम पे सोते वक्त आप अपने पार्टनर को ज्यादा याद करेंगे, मिस करेंगे, इवन उनके बारे में फैंटेसाइज करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस समय आप अपने आप को बदलते हुए नजर आ रहे हो, काफी ज्यादा चेंज करते नजर आ रहे हो, और यहाँ पर अगर आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी को लेकर डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज इस हफ्ते बढ़ेंगी। लेकिन ओवरऑल एक बेस्ट चीज ये देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा खुद को चेंज करते हुए एक अलग विपरीत दिशा की तरफ ले जाते हुए, खुद में काफी इंप्रूवमेंट लाते हुए, नई एक्टिविटीज को सीखते हुए, सोशलाइज करते हुए ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है। चांसेस है कि किसी नए व्यक्ति से आप बात बात भी करना शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन या चैटिंग वगैरह की एनर्जी दिख रही है कि किसी नए व्यक्ति से बातचीत करने की एनर्जी भी बनेगी, लाइक फाइनली आप खुद को पुश कर रहे हैं आगे के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी जो ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड, लियो राशि वाले ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में जो है 14 to 21 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लवर्स, एस ऑफ कप्स। जो लोग ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में है वो अपने पार्टनर के प्रति कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फियर ऑफ लॉस फील करेंगे। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए, कहीं चीजें लेट ना हो जाए, कहीं ना कहीं आप उनके साथ आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिन लोगों के लिए बार बार आपके पार्टनर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उनके
बिहेवियर को लेकर, उनके प्यार को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हुए नजर आ रहे हो। आप टेंशन ले रहे हो कि ये व्यक्ति किसी और को पसंद करते हैं या किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे और आपको वैल्यू नहीं करेंगे, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक डर, एक फियर ऑफ लॉस ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं आप अपनी जिंदगी में अपने आप पे भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप उनसे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप इतना इनके करीब आ चुके हैं कि अब आपको कल को इन्होंने छोड़ दिया तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस लेते हुए अपने फ्यूचर को लेकर अभी से ही डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं और सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आप अपने आप पे ध्यान देना ज्यादा प्रेफर करेंगे, काम में बिजी हो जाएंगे, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे उनके करीब आ रहे हैं वैसे वैसे चीजें और बिगड़ रही हैं। तो आप एक दूरी बनाकर उन्हें बेसिकली अपनी सेल्फ वर्थ एहसास करवाना चाहते हैं, आप उनको अपनी कमी का एहसास करवाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर बहुत से लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि प्रॉब्लम ये भी मेजर दिख रही है कि आपके पार्टनर को लेकर आपको ऐसा लग रहा है या वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग दोनों के बीच में सिर्फ फिजिकल ही सब कुछ रह गया है, फिजिकल प्लेजर, सेक्स वगैरह ही सब कुछ रह गया है, बाकी लव नहीं रहा, जिसके वजह से आप उनसे दूरी बना रहे हो। आपको लग रहा है ऐसे इमोशनली आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, लेकिन फिजिकली कुछ प्लेजर्स चाहिए तो यस, वो आपको याद करने लगते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप उसके वजह से उनसे दूरियां बनाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लाइक डिस्टेंस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक टेम्पररी स्पेस लेने की कोशिश आप कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस 14-21 जुलाई क्या होंगी। चिपक गए हैं सारे कार्ड्स आपस में, इसलिए शफल करते वक्त गिर जा रहे हैं या निकल नहीं रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस में दिख रहा है आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करेंगे। इस हफ्ते आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए हर छोटे छोटे लम्हे को याद करेंगे, मोमेंट्स को याद करेंगे, प्लस वो अपने फैमिली के प्रति भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं या आ रही हैं। उनके अगर बच्चे हैं तो ये बच्चों के साथ इमोशनली काफी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपके पार्टनर कोई फैसला लेने की कोशिश ज्यादा करेंगे, उनको कोई फैसला लेना है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं जो डिसाइड नहीं कर पा रहे। आपकी तरफ अप्रोच आता हुआ या एक्शन आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यस, आपके पास आने को लेकर कोई बहुत मेजर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में इस तरह चुप रहने की जगह वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आने की जरूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनसिक्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को शक है कि आपकी जिंदगी में कोई और व्यक्ति आ रहा है, ओके, या आ चुका है या आ चुकी है, जिसके वजह से भी वो काफी कंफ्यूज है आपको लेकर कि पता नहीं इस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। प्लस वो ऐसा भी मान रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में वापस आ जाते हैं तो लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, संभालते हैं, आप एक स्ट्रांग पावरफुल पर्सन है जो एजुकेटेड भी है, इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, आपको हुनर है लोगों को संभालने का, एक आप में एक पोटेंशियल है, जिसके वजह से वो मानते हैं कि आप अगर उनकी जिंदगी में आए तो उनकी जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। अभी उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में उनके ऊपर अकेले के ऊपर बर्डन है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी एम्प्टीनेस, अपने खालीपन को आखिर कैसे दूर करें, और वो कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि आपके साथ वापस पैचअप हो जाए, जिससे उनकी जिंदगी में जो सूनापन, खालीपन या जो बैलेंस जगमगाया हुआ है वो वापस ठीक हो जाए, ठीक है। आपके प्रति पैशन वापस फील होता हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स मुझे बताया मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वाले जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए 14-21 क्या एक्सपेक्टेड है। 14-21 जुलाई, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, मैरिड लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले पोजीशन है। मैरिड लोग एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा खोए हुए, एक दूसरे के प्रति बहुत पागल होते हुए एक नए लेवल ऑफ रोमांस को एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लंबे साल हो चुके हो गए हों शादी को लेकर, लेकिन स्टिल आप लोगों के बीच में रोमांस आता हुआ, लव आता हुआ, बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति पैशनेट फील करते हुए, फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए, एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर फील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते मैरिड लोगों की बल्ले बल्ले पोजीशन है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग इंजॉय बहुत करेंगे, पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, प्लस हाँ फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर लेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है अच्छी, आप लोगों के रिलेशनशिप में स्मूथनेस दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी आपके हेल्थ, एजुकेशन और आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ, एजुकेशन और करियर में क्या एक्सपेक्टेड है 14-21 जुलाई। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, हर्मिट एंड पेज ऑफ वॉन्स। देखो जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, हफ्ता अच्छा है, इस हफ्ते जॉब मिल सकती है, किसी की हेल्प से मिलेगी, कोई प्लेसमेंट वगैरह या कोई दोस्त हेल्प करेगा तो जॉब अच्छी मिल सकती है। एजुकेशन के बेसिस पे भी कहूँ तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है, इस हफ्ते आप लोगों के लिए चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। किसी लीगल मैटर में फंसे हो, केस आपके फेवर में सॉल्व हो सकता है, अच्छा आपको
खर्चा भी करना पड़ जाएगा, लेकिन उस खर्चे का आपको रिटर्न मिलता नजर आ रहा है। निवेश किए हैं, कहीं ना कहीं आपके निवेश जो है फल फूल रहे हैं, यानी कि चीजें अच्छी हो रही हैं, बैलेंस्ड है। यहाँ पर पैसों के मामले में अगर कहूँ, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, चीजें स्मूथ हैं, चीजें बहुत अच्छी जा रही हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए धन लाभ भी दिख रहा है, तो पैसों की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो रही है। सिर्फ एक चीज जो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक दिख रही है आप लोगों के लिए, वो ये है अकेलापन बहुत सताया जाएगा, अकेलापन बहुत फील होगा, अंदर से एम्प्टीनेस फील होगा। जिंदगी की नई शुरुआत दिखाई दे रही है, आप नई शुरुआत कर रहे हैं, खुद को वापस पोटेंशियल लेवल पे बहुत एनर्जी से भरे हुए, जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल भी बहुत हो रहे हैं इस हफ्ते, आप स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, पूजा पाठ में भी ज्यादा ध्यान है, प्लस पूजा पाठ से अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का एडिक्शन किसी व्यक्ति को लेकर भी आपके अंदर बहुत ज्यादा फील होता हुआ नजर आ रहा है। किसी व्यक्ति को बहुत मिस करेंगे, डेफिनेटली ये एक्स हो सकते हैं या पीछे गया हुआ कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत गहरे मंथन में नजर आ रहे हैं। तो ये एक एम्प्टीनेस अकेलापन बहुत दिख रहा है आपके अंदर। बाकी अगर कहूँ करियर के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं। इवन रिस्क भी लेना चाहते हो, कोई जॉब शुरू या कोई बिजनेस करना चाहते हो, अच्छा टाइम है, शुरू कर लो। आप लोगों के लिए वारे न्यारे होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए अच्छे रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर लव लाइफ में भी बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी आपके पार्टनर सोच विचार ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पर एक्शन उनकी तरफ से मुझे इस हफ्ते तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ सून वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं या लेने वाली है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अभी यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक 14 to 21 जुलाई, गाइडेंस क्या है फॉर सिंह राशि। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, दूसरों को देखना बंद करो, दूसरों पे चेकआउट करना बंद करो, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो मेरे से बेहतर है, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, या इस इंसान के पास मेरे से बेटर कोई है, ऐसा सोचना बंद करो, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। आपकी लाइफ में आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, खुद से सेल्फ लव करो। यूनिवर्स कर रहा है खुद पे फोकस करो, दूसरों पे नहीं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी पे भी नहीं। कंपटीटर क्या कर रहा है, भाड़ में गया, कोई आपके आपसे बेटर बिजनेस आपको लग रहा है कर रहा है, भाड़ में गया, ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि आपको अपनी सक्सेस अचीव करनी है, इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। मैजिशियन की एनर्जी, खुद की वर्ड समझो, खुद को हल्के में लेना बंद करो। ठीक है, सो ये थी लियो राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे डिटेल पे स्क्रीन पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।